मिल गया सर। फैंटास्टिक। कौन है ये? सर इसका नाम सतीश है, इसे 5 साल की जेल हुई है सर। जेल में कब गया ये? 98 में सर, दिसंबर में। दिसंबर 98 और आज है जनवरी 2004। इसका मतलब है ये जेल से बाहर आ गया है, पिछले महीने छूट गया है। इसका पता लिखा है सर, मरीना जेटी। सिर्फ मरीना जेटी? चलो मरीना जेटी चलो। मैं ही सतीश का बाप हूं, लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मैंने बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया है। क्यों, ऐसे कैसे हुआ? साहब मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। मेरा बाप भी जिंदगी भर मेहनत का पैसा कमाता रहा, और मेरा बेटा, उसे पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लेकिन मेहनत करके नहीं, आराम करके, बदमाशी करके। क्या हुआ, आखिर गया ना जेल में? मेरी नाक कटा दी उसने। अच्छा, जेल से छूटने के बाद वो आपसे मिलने आया था? हाँ आया था, लेकिन मैं उसे भगा दिया। मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखना, मर जो करना है कर। अब क्या किया है साहब उसने? उसने बहुत कुछ किया है, हमें उसे पूछताछ करनी है। आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि अभी वो कहाँ होगा? कुछ तो मालूम होगा आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम कहाँ होगा वो। हाँ उसका एक दोस्त है साबू, उसे मालूम होगा सर। साबू? हाँ। ये साबू कौन है? साबू मैकेनिक है साहब, वो बोट का इंजन वगैरह बनाता रहता है। यही कहीं होगा, यही कहीं होगा साबू। वो साबू, ये साबू, मुझे साबू, हमें देख के डर के भागे क्यों? तो नहीं साहब, वो तो ऐसी। तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं साहब, कसम से नहीं किया। सतीश के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम है ना। नहीं, वाकई नहीं मालूम। झूठ मत बोल। देखो साहब, किसी को बोला मत, मालूम है मुझे। हाँ मिलेगा वो, बताओ। साहब उसके बाप ने ना उसको घर से निकाल दिया ना साहब, तो मैंने उसको एक खोली लेके दे ला, कटारी चाल। कहाँ पे लिए? कटारी चाल है ना साहब, कटारी चाल, उसके 34 नंबर खोली में। कटारी चाल? हाँ साहब, बोला मत मुझे। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी भागो, चल चल चल। दाया वैसी क्या कोई जैसे तिले में से निकली थी? सुधारो, जात मत निकालो जल्दी। संभल के, संभल के। भागो। नीचे अंधेरा है, संभल के। जल्दी भागो, चल चल चल। आगे मत खोलना प्लीज। आगे मत खोलना। जल्दी भागो, जल्दी। जल्दी, जल्दी। आइए, नीचे देख के चलना। जल्दी जल्दी जल्दी, संभल संभल, सीढ़ी संभल जाओ। घेरा है नीचे, इसे मदद करो, ये मर जाएगा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। आप लोग फिर से करो, आइए सब लोग, आइए इस तरफ, नीचे नीचे चलिए जल्दी। और कोई है अंदर? जल्दी करो, जल्दी। रूम नंबर 34, यही है सतीश का घर। माय गॉड, यहां से गैस निकल रही है। दया सर, दरवाजा तोड़ दो। ओके सर। ये इस सिलेंडर में से गैस निकल रही है। दया इसे बंद करने की कोशिश करो। ओके सर। संभल के दया, गरम है, संभल के। सर ये बंद नहीं हो रहा। कोई कपड़ा लो दया, कपड़ा है क्या? देखो। ओके सर। और लाइट मत लगाओ दया। हाँ सर। लाइट मत ऑन करना। हाँ सर। करंट की वजह से आग लग सकती है। सर बंद हो गया। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर सिलेंडर बाहर लेके जाओ। ओके सर। यहाँ तो गैस सिलेंडर की फैक्ट्री लगी हुई है। उठा फ्रेडरिक्स। संभल के सुधाकर, सुधाकर। सर हाँ, यहाँ पे तो कोई और भी सोया है। कोई और है? हा? कौन है? इसके हाथ में 4 ही उंगलियां हैं, नेक कटी हुई। ये तो सतीश है, और ये जिंदा है।
इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, ये बच सकता है। यस सर। कम ऑन हरी अप। चलो जल्दी जल्दी उठा 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 आराम से। संभल के फ्रेडरिक्स। चल संभल के संभाल के धीरे से। चलो आराम से संभल के। ये क्या लिखा है? फ्रेडरिक्स उसे हॉस्पिटल लेके गए। सर क्या ये देखिए, कैलेंडर में 4 तारीख को गन और लिफ्ट लिखा हुआ है। 4 तारीख को मुझे गोली लगी और आशा लिफ्ट में गिरी। 5 तारीख को कार और स्मोक लिखा हुआ है सर। अभिजीत की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और ब्यूरो में टीवी में से धुआं निकला सर। और 6 तारीख को मिठाई लिखी। सर 6 तारीख के ऊपर मिठाई लिखी हुई। 6 तारीख तो आज है सर। पर मिठाई से क्या हो सकता है? सर शायद वो आज कहीं मिठाई बांटने वाला होगा। ये हो सकता है, लेकिन मिठाई बांटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। सर किसी का जन्मदिन? किसका? तुम्हारा जन्मदिन? नहीं सर, मेरा तो नहीं। हम में से किसी का भी नहीं है सर। हाँ सर, मेरा भी नहीं है। सर आपका है? नहीं, मगर मेरे बेटे का है। सर डोंट माइंड, आप कभी अपने बेटे के जन्मदिन पे मिठाई बांटते हैं? हाँ। कहाँ पे सर? वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ, उस स्कूल से मेरा पुराना रिश्ता है। वहाँ हर साल मैं मिठाई भेजता हूँ। माय गॉड, बच्चों का स्कूल मिठाई। मैडम बच्चों को उल्टी हो रही है। प्रिंसिपल को बुलाओ और जाके हॉस्पिटल में फोन करो। जाओ जल्दी जाओ। पानी पीते क्या हो रहा है? ले बेटा जल्दी पानी पी ले, आपको ये मिठाई खानी ही नहीं थी। ये ले। बहुत वोमिट हो रही है मैडम। कौन सी क्लास में है ये? इस क्लास में। अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ मैडम? सब बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। कैसे? इन्होंने मिठाई खाई थी मैडम, मुझे ऐसे भी नहीं भेजी थी। हाँ मैडम। सुनिए सुनिए। यस सर। प्रिंसिपल अपने कमरे में है? नहीं सर। तो कहाँ है? उधर क्लास में है सर। प्लीज मैं फोन करने जा रही हूँ, अभी एम्बुलेंस भी नहीं आई है सर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो? क्या 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 हुआ बेटा? घबरा मत, हम लोग आ गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। घबराओ मत बेटा, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। अब पर मैडम ये सब कैसे हुआ? आपने तो इनको मिठाई दी थी, उसी वजह से हुआ है। ये आपने क्या कर दिया? अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जल्दी करो सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए।
जिसने यहाँ पे मिठाई भेजी है। लेकिन वो इतने सालों से मिठाई भेज रहा है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मगर सर उसी की मिठाई खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। हाँ वो तो है। यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा, आप बता सकती हैं? शायद ये आपको बता सकूं, ये हमारी सेक्रेटरी है और यही इंचार्ज भी। आप बताइए यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था और यहाँ स्कूल में मिठाई लिए किसने? देखिए आज आज कोई मिठाई लाया नहीं। क्यों? मैंने तो उसे बोल रखा है कि मिठाई के डब्बे पैक करके सीधा स्कूल में भेजा करो। नहीं वो आज आज ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक हेल्पर है कमलेश, तो वो उसी तरफ जा रहा था, कहने लगा कि वापस आते वक्त मैं वहाँ से मिठाई लेकर आऊंगा। ओह, तो मिठाई कमलेश लेके आया? जी। कहाँ है ये कमलेश? वो तो आपको स्टोर रूम में मिलेगा, स्टोर का इंचार्ज है। कहाँ? यहाँ तो कहीं कमलेश दिखाई नहीं दे रहा। बैठता तो वो यहीं पे है। तो फिर कहाँ गायब हो गया? सर हो ना हो मिठाई में जहर उसी ने मिलाया, इसीलिए वो गायब है। इसके मुंह पे तो मिठाई लगी हुई है। हाँ सर, किसी ने मिठाई इसके मुंह में जबरदस्ती डाली है, और वो भी एक तो नहीं, कम से कम 5-6 लड्डू इसके मुंह में डाले गए हैं। तो लड्डू में जो जहर मिला था उससे इसकी मौत हुई है? हाँ, मौत जहर से हुई है। इतना सारा जहर एक साथ पेट में चला गया तो मौत जल्दी हो गई। यही आदमी मिठाई लेके आया और लगता है इसने ही मिठाई में जहर मिलाया और अब खुद इसको ही किसी ने जहर खिला दिया। सर ये आदमी लड्डू लेके स्कूल में आया और वहीं स्कूल में मर गया। सर जिसने भी इसे जहर दिया है वो वहीं स्कूल का ही कोई होना चाहिए। सर मुझे लगता है इस बार वो फंस गया है। कौन? जो ये सब कर रहा है, या मैं ये कहूंगी जो ये सब कर रही है। कर रही है? हाँ, जिसने ये जहर दिया है वो एक लड़की है। आपको ये कैसे पता चला? देखिए ये इस मरे हुए आदमी का पेट है। अब मैं ये पेट का सामान इस बीकर में डालती हूं। लगता है लड्डू के अलावा इसने और कुछ नहीं खाया। दीजिए प्लीज। ये देखिए एक अंगूठी। जब किसी ने उसके मुंह में लड्डू डाल के उसे अंदर ठूसा तो उस लड़की के हाथ की अंगूठी उसके पेट के अंदर चली गई। कमाल है। और यही नहीं, उस लड़की के हाथ का नेल पॉलिश का टुकड़ा खूनी एक लड़की। एसीपी साहब, एक तो आपकी वजह से स्कूल में दुर्घटना होते होते बची। कोई आपसे बदला लेना चाहता था लेकिन जहर बच्चों को दे दिया, ये तो अच्छा हुआ कि किसी को कुछ नहीं हुआ। और अब आप लोग यहाँ पर आके ये कहना चाहते हैं कि हम में से किसी एक ने कमलेश का खून किया है? देखिए उस दिन स्कूल में बाहर से कोई नहीं आया था, स्कूल में सिर्फ आपका स्टाफ ही था ना, तो खून आप में से ही किसी ने किया होगा। आशा सर, इन सबको लाइन में लगा। यस सर। आइए मैडम प्लीज सर आप लाइन। क्या कर रही हैं आप, ये हमारी इंसल्ट है। कोई बात नहीं, चलिए आप लाइन में आइए। अब लगिए लाइन से लगिए मैडम, यहाँ खड़े रहिए। नहीं नहीं प्लीज, यू कैन नॉट इंसल्ट एनीबॉडी लाइक दिस। नो, बस थोड़ी देर की बात है, जिस किसी की अंगूठी है वही खूनी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये किसकी है? अभी देख लेना कैसे पता चलता है। चलो हाथ आगे करो।
हाथ आगे करो, हाथ दिखाओ अपना, अब हाथ दिखाइए, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? पता नहीं, कहीं गिर गई। गिर गई, यही है सब। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, अपनी अंगूठी मेरे हाथ में डाल के मुझे फंसाना चाहती हैं? शट अप, यू शट अप। मेरे पति पंकज ने मुझे ये सब करने को कहा था। अच्छा? हाँ। तुम्हारे पति अब कहाँ मिलेंगे? बोलो जल्दी। वो परेल मिल कंपाउंड में अभी काम मिला है। कहाँ पे? एक नई दुकान है, चाइनीज शॉप, चाइनीज पटरी शॉप। कहाँ है? वहाँ है। For this, madam, it's 1200 rupees. सिर्फ 1200 रुपए का है। जी हाँ, पसंद आया आपको? Alright, I'll show you something else. Look at this. ये देखिए। अच्छा, ये देखिए। ये एसीपी कहाँ से आ गया? एसीपी आ गया। क्या बात कर रहा है? हाँ, चल भाग। जमदाड़ी कहाँ है? वो बच्चा नहीं सोच रहा। वो जो काम करता है यहाँ कहाँ है वो? वहाँ वाहना बीन था वाला। देर? दया पकड़ो इसे। अभिजीत, अभिजीत पकड़ो इसे। रुक 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 रुक, पकड़। फंसा दिया ना मुझे। चल चल चल। मुझे सतीश को एसीपी ने जेल में भेजा था। हम लोगों ने सोचा जब भी बाहर निकलेंगे तो एसीपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हम लोगों के पास जितने पैसे थे हम लोगों ने सब लगा दिए और एक पिस्टल खरीद के दया के यहाँ बर्थडे पार्टी में भेजा। मगर अफसोस, दया बच गए। और फिर आशा की बिल्डिंग में लिफ्ट गिरा दी और मिठाई में जहर मिलाया। शायद एसीपी को जेल हो जाती। अरे बेवकूफो, एक आदमी से बदला लेने के लिए इतने सारे बच्चों को मारने चले थे? इस जुर्म के लिए तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी, बहुत लंबी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।